ये सी ए न्यू कोर्स 2017 कब से एप्लीकेबल होने वाला है? सी ए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? क्या है क्राइटेरिया सी ए फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन का? कौन से सब्जेक्ट है सी ए फाउंडेशन में? तो सी ए फाउंडेशन से रिलेटेड बातें जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं सीए आशुतोष लिमाये आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए कोर्स में सीए फाउंडेशन के बारे में और साथ में ही हम कंपेयर करेंगे जो सीपीटी से सीए फाउंडेशन में चेंज हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीए कोर्स में कौन से स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री, माने फाउंडेशन किए बिना आप डायरेक्टली सीए कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री में अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएट है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स ज़रूरी है सीए कोर्स में डायरेक्टली एंट्री लेने के लिए। और अगर आप अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट है, माने आपने बीएससी किया है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या और कोई स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स ज़रूरी है। और अगर आपने CS या CWA इंटर कंप्लीट किया है तो भी आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली CA कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है CA इंटर, और CA इंटर पास करने के बाद आप जाएंगे CA फाइनल में, और CA फाइनल कंप्लीट होने के बाद आप हो सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। यह है अलग अलग स्टेप सीए कोर्स कंप्लीट करने के। आगे देखते हैं अब जो चेंजेस हुए हैं सीपीटी से फाउंडेशन में। सबसे पहले तो नाम चेंज हुआ है कोर्स का। पहले ये सीपीटी या कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते थे जिसको अभी सीए फाउंडेशन कहा जाता है। दूसरा है जो क्राइटेरिया था सीपीटी का, माने एलिजिबिलिटी था, वो पहले 10th के बाद इंस्टीट्यूट ने इसको चेंज करके 10+2 या 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है, माने आप साइंस से 12th कंप्लीट किया है या कॉमर्स से किया है या आर्ट से किया है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इफेक्टिविटी देखते हैं, जो सीपीटी था वो सिर्फ 30 जून तक ही एप्लीकेबल था और नया कोर्स 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है, माने जो कोई भी 1 जुलाई के बाद एडमिशन लेगा या रजिस्टर करेगा वो न्यू कोर्स में ही कंपलसरीली रजिस्टर होगा। इसके जो अटेम्प्ट्स है सीपीटी में ये जून और दिसंबर में रहते थे, जो कि अभी नए कोर्स फाउंडेशन में मई और नवंबर में रहेंगे। पहला जो फाउंडेशन का अटेम्प्ट है वो मई 2018 से चालू होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर आपको मई अटेम्प्ट देना है तो आपको 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, और अगर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया तो फिर आप ऑटोमेटिकली नवंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि ICAI का क्राइटेरिया है कि रजिस्ट्रेशन से लेके एग्ज़ाम तक आपका मिनिमम 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले था सीपीटी में, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। पेपर्स जो है वो पहले 4 पेपर थे या उनको 4 सेक्शन कहा जाता था और 200 मार्क्स के लिए थे, और नए कोर्स में 4 पेपर्स हैं 400 मार्क्स के, जो हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। पासिंग जो था वो सीपीटी में 30% एक सब्जेक्ट में आपको ज़रूरी था और एग्रीगेट आपको 50% मार्क ज़रूरी थे, और फाउंडेशन में ये बढ़ा के अभी 40% ईच सब्जेक्ट में किया है और एग्रीगेट उतना ही 50% रखा है, माने 400 में से आपको मिनिमम 200 मार्क्स लेना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चेंजेस हुए हैं सीपीटी से फाउंडेशन में। पहले तो जो अकाउंटिंग का पेपर था उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और वो 60 मार्क्स के लिए था, जिसका नाम बदल के अभी हुआ है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का है। पहले ये ऑब्जेक्टिव था जिसको अभी सब्जेक्टिव किया है।
मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छा मूव है इंस्टीट्यूट का, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग का अकाउंटिंग ये कोर सब्जेक्ट है, और अगर फाउंडेशन लेवल से स्टूडेंट उसको डिस्क्रिप्टिव में या डिटेल में स्टडी करेगा तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और वो काफ़ी अच्छा अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएगा। तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि कंटेंट क्या क्या है। एक तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेसेस दिए हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट, फिर अकाउंटिंग फॉर सोशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसमें कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, और इंट्रोडक्शन टू कंपनी। ये सीपीटी का सिलेबस था। तो नए कोर्स में भी लगभग वही सिलेबस रखा है, लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं। जैसे कि इंडिया एस ऐड किया है बेसिक्स में, वैसे स्पेशल ट्रांजैक्शन में रॉयल्टी और एवरेज ड्यू डेट ऐड किया है, और अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप के साथ एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी ऐड किया है, और फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी ऐड किया है। ये पहले आईपीसी में हुआ करता था, जो कि अभी फाउंडेशन में आईसीआई ने ऐड किया है। तो ये था फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पेपर है लॉ का, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। सीपीटी में इसका नाम मर्केंटाइल लॉ था, और जो कि 40 मार्क्स के लिए रहता था, जिसका नाम बदल के अभी हुआ है बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये पहले ऑब्जेक्टिव टाइप था जिसको अभी इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्टिव किया है। और अगर सिलेबस देखा जाए तो ओल्ड कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था, तो इंस्टीट्यूट ने इसको नए कोर्स में इनके साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंट्रोड्यूस किया है, और कंपनीज एक्ट 2013 भी इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें दूसरा सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया है, वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क्स के लिए है। इसका नाम कुछ भी हो लेकिन ये बेसिक इंग्लिश है। इसमें कम्युनिकेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस होते तो उनके बारे में है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, नोट मेकिंग है, डेवलपिंग राइटिंग स्किल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस मोर और लेस बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेपर थर्ड देखते हैं। जो पेपर थर्ड है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सीपीटी में इस पेपर का नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, जो कि 50 मार्क्स के लिए था। सीए फाउंडेशन में इसका नाम बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क के लिए हो गया है। मोड ऑफ एग्जाम पहले भी ऑब्जेक्टिव था और अभी भी ये ऑब्जेक्टिव ही है। मोर और लेस इसका सिलेबस जो है वो ओल्ड कोर्स के साथ ही है। इसमें रेशियो एनालिसिस है, कैलकुलस है, इनइक्वालिटीज है और स्टैटिस्टिक्स है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग थ्योरी, इंडेक्स नंबर, और इसके साथ अभी लॉजिकल रीजनिंग भी नए कोर्स में ऐड हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन ऐसा ऐड किया है। ये सिंपल टॉपिक है, ये है पेपर थर्ड। अभी आगे बढ़ते हैं, पेपर फोर्थ जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में है। इकोनॉमिक्स में जो सीपीटी में इसका नाम था जनरल इकोनॉमिक्स, जो कि 50 मार्क्स के लिए था, नए कोर्स में इसका नाम बदल के बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 100 मार्क्स के लिए किया है। पहले भी ये ऑब्जेक्टिव था और नए कोर्स में भी इसको ऑब्जेक्टिव किया है। सीपीटी में इसमें दो सेक्शंस थे, माइक्रो इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो न्यू कोर्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह से हटा दिया गया है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू किया है। और इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, और नया बिजनेस साइकिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और जो दूसरा सेक्शन है जिसको बोलते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि है 40 मार्क्स का, ये भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। जो बच्चे पढ़ते हैं सीए को, उसको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, हम कौन से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं। तो ये है पेपर फोर। आगे बढ़ते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले तो है एप्लीकेबिलिटी। तो नया कोर्स एप्लीकेबल होने वाला है 1st of July 2017 से, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मई अटेम्प्ट के लिए आपको 31st December तक करना ज़रूरी है, और अगर उसके बाद आपने किया तो फिर आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। एग्ज़ाम जो है
वो पहले जून और दिसंबर में रहते थे, जो कि अभी मई और नवंबर में रहे। तीन अटेम्प्ट जो है वो पैरेलल चलेंगे, माने सीपीटी और सीए फाउंडेशन के तीन अटेम्प्ट साथ में चलेंगे। सो नवंबर 19 से सिर्फ न्यू कोर्स रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया, और अगर आपके कुछ आपको अगर इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन फर्दर डिटेल्स चाहिए या आपके कुछ क्वेरीज है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं dnyanvishnucaa@gmail.com। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब या शेयर कर सकते हैं। आपका ये लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मैं आशुतोष लिमय आप सबकी विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।